गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे स्पार्क प्लग के ऊपर। कार के अंदर स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये इग्निशन सिस्टम में काम करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये इग्निशन सिस्टम में काम करते हैं और इलेक्ट्रिकल ऑपरेटिंग पे वर्क करते हैं। तो जो स्पार्क प्लग होते हैं ये कार के अंदर कहाँ लगाए जाते हैं, और डीजल में लगाए जाते हैं या पेट्रोल में लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि हम जब जो स्पार्क प्लग देखते हैं ये सिर्फ पेट्रोल कार के अंदर स्पार्क प्लग लगाए जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल कार के अंदर फ्यूल और एयर दोनों को हम मिक्सचर बना के सिलेंडर के अंदर भेजते हैं, और डीजल गाड़ी के अंदर सिर्फ हम एयर को भेजते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं। लेकिन पेट्रोल कार के अंदर हम फ्यूल और एयर दोनों को कंप्रेस करते हैं, क्योंकि फ्यूल और एयर को कंप्रेस करने के कारण पेट्रोल गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो कम होता है, डीजल गाड़ी का ज़्यादा होता है। तो इसलिए उसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होने के कारण उसका फ्यूल का जो एयर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पेट्रोल गाड़ी का कम रहता है। तो इस कारण से उसको ऑटोमाइज यानी कि उसे जलाने के लिए स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। जो स्पार्क प्लग होता है, जो हमारे ऊपर का सिलेंडर हेड होता है उस एरिया में इसे ऊपर की साइड कसा जाता है। स्पार्क प्लग होता है वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो स्पार्क प्लग होता है ये ऐसा पार्ट होता है। तो ये स्पार्क प्लग क्या होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसे हम सिलेंडर हेड के अंदर हम इसे टाइट कर देते हैं। जब इसे हम टाइट कर देते हैं तो इसके ऊपर वाला एरिया देखते हैं ये चीनी मिट्टी का बना होता है, और ये इससे ऊपर वाला एरिया जहाँ पे हमारे ST वायर लगती है, हाई टेंशन वायर लगती है इससे, जो हमारी इग्निशन कॉइल से आती है, जिसे हम इग्निशन कॉइल से जो हमारी ST कॉइल यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर जो लगा होता है कार के अंदर, जो करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग पिस्टन के ऊपर, जो जौन सा पिस्टन पावर स्ट्रोक के होता है उसी को ये करंट भेजता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। इग्निशन कॉइल उसको करंट को ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, इग्निशन कॉइल कैसी होती है, कैसे काम करती है, उससे हम बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पार्क प्लग के बारे में। तो ये स्पार्क प्लग ये हमारा जो सिलेंडर हेड के अंदर कस जाता है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, इसमें दो एरिया होता है जो आपको देख रहे हैं, ये एक एरिया ये वाला है और एक इसमें अंदर रोड होती है। तो ये वाला जैसे ही यहाँ से करंट आता है तो क्या होगा कि यहाँ पे जंप करेगा करंट। जब यह जंप करंट करता है तो यहाँ पे एक चिंगारी उत्पन्न होती है। जब चिंगारी उत्पन्न होती है तो जो फ्यूल और एयर जो हमारे सिलेंडर के अंदर होता है उसके अंदर आग लग जाती है, और वो जब चिंगारी उत्पन्न होती है जब पावर स्ट्रोक के अंदर हम इस पर करंट देते हैं। क्योंकि जब हमारा आज की तारीख में जितनी भी गाड़ी सेंसराइज होती है, जब पावर स्ट्रोक आता है यानी कि पावर स्ट्रोक पे जैसे ही सेंसर हमें सेंस कराता है ECM को, तब ECM क्या करता है, इग्निशन कॉइल से कॉइल पे भेजता है और हमारे उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ तक करंट को भेजता है। जैसे ही यहाँ करंट आता है यहाँ चिंगारी उत्पन्न होती है, फ्यूल के अंदर आग लग जाती है, फ्यूल और जो एयर होता है उसमें आग लग जाती है और हमारा पिस्टन नीचे की साइड चला जाता है, और नीचे जाते ही वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक का वाल ओपन हो जाता है। तो ये जो स्पार्क प्लग होता है, अगर ये स्पार्क प्लग ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, इससे भी हम आपको बता देते हैं। अब हम तीन पॉइंटों पे बात करते हैं। स्पार्क प्लग अगर ख़राब होता है तो पहला पॉइंट आता है कि गाड़ी मिसिंग करेगी। अगर आपका स्पार्क प्लग सही नहीं काम कर रहा तो आपकी कार मिसिंग करेगी, और अगर इस एरिया के अंदर कचरा आ जाता है यानी कि इसमें कुछ रस्टिंग आ जाती है, तो मिसिंग करने से आपकी गाड़ी के अंदर दूसरा काम होता है, गाड़ी का एवरेज डाउन आ जाएगा प्लस पिकअप डाउन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये आता है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो क्या होगा कि कार स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप इग्निशन स्टार्ट करेंगे, क्रैंक करेंगे सेल्फ को, तो कार स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये स्पार्क पावर स्ट्रोक में देगा नहीं और इंजन के अंदर जो फ्यूल और एयर है वो जलेगा नहीं, और फ्यूल और एयर नहीं जलेगा तो इंजन आगे काम करना कम कर देगा क्योंकि वो स्टार्ट नहीं होगा।
और जब स्टार्ट नहीं होगा तो इंजन प्रॉपर तरीके से आइडल में आएगा नहीं और इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये तीन पॉइंट मैंने आपको बताया। एक ये क्या करेगा, मिसिंग करना चालू कर देगा अगर ये स्पार्क प्लग खराब होता है। अगर इसके पास करंट नहीं आता तो भी मिसिंग करेगा, अगर इस पर कचरा आ जाता है तो भी ये पिकअप लो रहेगा और गाड़ी मिसिंग करेगी। दूसरा, अगर दी ये बिल्कुल काम नहीं करता तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो ये मैंने आपको आज बताया कि स्पार्क प्लग का हमारा सिलेंडर हेड के ऊपर फिट किया जाता है और इसे ज़्यादा टाइट नहीं किया जाता, नहीं तो ये सिलेंडर हेड के अंदर टूटने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो इस पर भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है मेरे दोस्तों को। दूसरा, जो यहाँ पे कार्बन आ जाता है तो इसे भी साफ़ कर लिया जाता है। इसका एक और पॉइंट होता है, इसे क्लीन करने के लिए आप यहाँ से इसे क्लीन कर सकते हैं और एक मशीन आती है जिसमें इसे लगा के यहाँ से इसे क्लीन कर सकते हैं, जो स्पार्क प्लग मशीन बोली जाती है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होती है, उसमें इसको रख दीजिए, ये अपना आप क्लीन होके नहीं सेट हो जाता है। नहीं तो ये आप नया लगा सकते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता क्योंकि एक स्पार्क प्लग ज़्यादा 90 या 95 रुपये का एक स्पार्क प्लग आता है। और ये तीन चार कंपनी इसको बनाती है। सबसे पहले बढ़िया कंपनी होती है आपकी चैम्पियन का होता है, दूसरा बोस का होता है, तीसरा आपका TBS का होता है, माइको का जिसे हम बोलते हैं उसका हो सकता है। तो ऐसे करके तीन चार कंपनी इसे बनाती है, ज़्यादा करके आपको डेंसो का भी मिल सकता है या आपको माइको का मिल सकता है या चैम्पियन के मिलते हैं। अब इसके अंदर एक और आता है जो कि एक पतली नोब, अगर आपने देखा होगा होंडा की सिविक के अंदर एक इम्पोर्टेंटेड आते हैं, वो थोड़ी कॉस्टली होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा पावर्स होती है, वो भी लगाए जाते हैं लेकिन वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, जो सिर्फ सिविक या एकॉर्ड के अंदर लगाए जाते हैं, जो लग्जरी गाड़ियों के अंदर हम उन्हें यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको ये स्पार्क प्लग के बारे में आज पता लगा होगा कि स्पार्क प्लग कैसे काम करता है और स्पार्क प्लग पे अगर ये ख़राब होता है तो कार नहीं स्टार्ट होती। और स्पार्क प्लग सिर्फ पेट्रोल कार के अंदर यूज़ किया जाता है, ना कि डीजल गाड़ी के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम स्पार्क प्लग के बारे में बात किया था। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। मैं आपका दोस्त सुंदर, धन्यवाद दोस्तों।